तो देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए नहीं। ठीक है, क्या करेंगे आप? देखिए, यहाँ तीन ब्रैकेट लाना है, ठीक है, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तीन ब्रैकेट लाना है, किसका? ए प्लस बी प्लस सी का। तो एक तो मुझे दिख ही रही है, पता नहीं आपको दिख रहा। अगर मान लीजिए हम ये सोचते हैं, चलिए आप ट्रांसफॉर्मेशन सोचिए, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ले आना चाहते हैं, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी ले आना चाहते हैं, और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी ले आना चाहते हैं, ठीक है। और से यहाँ पे हम कुछ नहीं, टू सी जो है वही रखना चाहते हैं, बी माइनस सी माइनस ए टू बी, और ये क्या हो गया आपका, टू सी सी माइनस ए और माइनस बी। और अगर ये ले आते हैं तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है, और एक ब्रैकेट आपकी आ जाएगी। लेकिन यहाँ आएंगे कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आप सोचेंगे? तो जाहिर सी बात है कि हमने क्या किया है, R1 में R2 को और R3 को ऐड किया है, माइनस बी और प्लस टू बी, प्लस बी हो जाएगा और माइनस सी प्लस टू सी प्लस सी हो जाएगा, वही यहाँ भी होगा वही यहाँ पे भी होगा। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट, जिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं अगर लिखते हो तो, और नहीं लिखते हो तो कटते हैं, ये भी 100% प्रूव्ड है ना। तो देखिए, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया एंड डिटर्मिनेंट बिकम दिस वन, ठीक है। अब कॉमन करना है ना, तो कॉमन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या था आपके आपके पास? कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना है ना, किससे कॉमन करना है, R1 से कॉमन करना है। तो R1 को हमने डिवाइड कर दिया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी से। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो, इसका मतलब चूंकि आपने डिवाइड किया है R1 को, तो R1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब ले दे के कॉमन किया है आपने, है ना, और ये उसका लीगल तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो आपको दिखाना होता है, अदरवाइज आपको मार्क्स उस स्टेप के नहीं मिलते हैं। खैर, यहाँ वन वन और वन हो जाएगा, बाकी ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं है तो कॉपी कर लेंगे, टू बी और बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, टू सी टू सी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी माइनस ए माइनस बी, जो था वही रहेगा। अब क्या, अब तो बड़ा आसान है, तीन वन आ गए हैं, तो इस वन को इस्तेमाल करके हम यहाँ जीरो बना लेते हैं, है ना। ये सबसे आसान, सबसे प्रेडिक्टेड तरीका होता है कि आपको यही करना होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स क्या हो गया, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएंगे, सी टू को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सी टू से हम सी वन सबट्रैक्ट कर देंगे, सी थ्री को भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सी थ्री माइनस सी वन कर देंगे, क्या हो जाएगा, मतलब माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी वन में और उसको सी टू में ले जाके ऐड कर रहे हैं, ऐसे सोचिए। तो माइनस वन और प्लस वन, इट बिकम जीरो। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म हो नहीं रहा है तो इसको पहले हम लिख दे रहे हैं, फिर क्या हुआ, माइनस टू बी लाके हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो प्लस का बी है वो माइनस का बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस टू सी और प्लस टू सी जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है मुझे, आपको भी दिखना चाहिए, माइनस वन कॉमन कर लीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी आपको दिखेगा, और यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। खैर, तो यहाँ माइनस वन हम लिख दे रहे हैं, या माइनस लिखिए, बात बराबर है। यहाँ पे भी लगाए हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन बिकम जीरो, फिर क्या हो जाएगा आपका, माइनस टू बी और प्लस टू बी दैट इज ऑल्सो बिकम जीरो, माइनस टू सी और इसमें ला के ऐड करेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये भी हो जाएगा। तो माइनस वन कॉमन कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी हो गया। अब देखिए, एक ब्रैकेट पहले से ही आ गई है और दो ब्रैकेट आपके लिए इंतजार कर रही है ना, इस वाले कॉलम से और इस वाले कॉलम से। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखना चाहिए आपको कि इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखें, है ना। कुछ लोग लिख देते हैं टेकिंग कॉमन, ये सब बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, लीगल तरीका बनाया गया है, मार्क्स तभी मिलेंगे आपको। तो सी टू गिव्स वन बाई ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स सी टू, है ना। इसी तरह से सी थ्री गिव्स वन बाई ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स सी थ्री। अब यहाँ जगह तो है नहीं, हम आगे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो योर डिटर्मिनेंट बिकम
आफ्टर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ए प्लस पी प्लस सी, तो था ही, दो ब्रैकेट और आ रही हैं, तो क्या हो गया आपका, इट बिकम क्यूब हो गया। और यहां पे क्या क्या बचेगा, पहले कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन लगा नहीं है तो सिर्फ कॉपी कर दीजिए 2c। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, जीरो, फिर क्या हो गया माइनस वन और जीरो, थर्ड कॉलम क्या हो गई, जीरो जीरो और फिर क्या हो गया आपका माइनस वन हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब एक्सपेंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो देखिए पहली रो में नंबर ऑफ जीरोज है मैक्सिमम, दूसरे कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, तो कैसे भी एक्सपेंड कर दीजिए, या तो अबाउट आर वन, अबाउट सी टू, अबाउट सी थ्री, कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सारी वैल्यू तो आइडेंटिकल ही आएगी। तो हम लोग एक्सपेंड कर देंगे अबाउट आर वन, है ना, तो एक्सपेंडिंग अबाउट आर वन दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये हो जाएगा वन टाइम्स टू बाई टू की डिटर्मिनेंट, ये कॉलम बंद रो बंद, क्या हो गया माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, फिर ये खोल देंगे इसको तो ये वन माइनस जीरो वन आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया, दैट इज इक्वल टू आर एच एस, दैट इज रिक्वायर्ड प्रूफ।